ओके आई कांट चेक. कल हमने सिंगिंग बोल्स और म्यूजिक थेरेपी मतलब के सिंगिंग बोल थेरेपी के बारे में बात की थी चंद्रकांत जी से. आज मैं फिर उनके ऑफिस आई हूं और उनसे मैं एनएलपी के बारे में पूछना चाहती हूं, क्योंकि ये कई तरह की हीलिंग करते हैं. रेकी भी करते हैं, एनएलपी भी करते हैं, हिप्नोथेरेपी भी करते हैं, सिंगिंग बोल भी करते हैं. किसी ने कमेंट किया था एक छोटा सा मेडिटेशन सेशन रिकॉर्ड करो, समय मिला तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगी. फिलहाल मैं चंद्रकांत जी से ये पूछना चाहती हूं कि एनएलपी क्या होता है. एनएलपी को अगर हम शब्दों में बोलें तो होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. इसका मतलब, इसका मतलब अगर हम देखें तो हम जो भी इंसान हैं, हम बने किससे हैं, हमारी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, हम अपने आप को मैं बोलते हैं, है ना, आप गिरनी हो गए, मैं चंद्रकांत हो गया, लेकिन उसके अंदर बंच क्या है. तो वो जो सेल्स हैं, जो छोटी छोटी इकाई है जिसको हम एटम भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, फिर उसको छोटा करें, उनको समझना, उनको ऑपरेट करना, उनके थ्रू हील करना, यही चीज है. अपने अंदर जाना, खुद के अंदर जाना. न्यूरो मतलब नसें, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, हमारी नसों की भाषा, और प्रोग्रामिंग मतलब के उसको सिखाना. तो इसके द्वारा हम अपने दिमाग को, दिल को, शरीर को किसको क्या सिखाते हैं? सिखाना हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है. हम जो भी कुछ करते हैं, ऑपरेट करते हैं, हम अनकॉन्शियसली करते हैं. तो अनकॉन्शियसली जो हमारे पैटर्न्स हैं, अच्छा, उनको हम कैसे सॉल्व करें, ये वही चीज है. अच्छा, इस पद्धति के अंदर जो भी लोग हीलिंग के लिए आते हैं, हम उनको यूज करते हैं. बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं. अच्छा, जैसे मुझे कोई पर्सन आता है तो मुझे ये बोलना है कि आप कोई भी इमीडिएट आप चूज कीजिए, इसमें से कोई भी, पिक एनी वन. तो मुझे इंटेंशन देनी है यहाँ पर कि मैं क्या चाह रहा हूँ, पर वो पर्सन का माइंड क्या, स्टेट ऑफ माइंड क्या उस समय. तो ये पर्पल कलर है, ठीक है ना, इसके सबके एक नियम है. तो अगर आप ये करेंगे 3 सेकंड के बाद पिक करते तो कॉन्शियस माइंड होता. आपने क्विकली किया, इमीडिएट किया आपने 1 सेकंड. मैं एक्चुअली ये उठाना चाहती थी, लेकिन आपने जब ये हाथ में उठाए तभी मेरा ध्यान पर्पल पे गया था, और फिर मैंने इसलिए पर्पल उठाया. ठीक है, तो पर्पल और इसके सारे कारण है, रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों होता है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हैं. जैसे आप ये वाले देखिए, आप इसमें से कोई काउंट कीजिए, क्योंकि ऐसा बताना नहीं होता कि आपने क्या करना है, आपका जो भी मन आता है. ये ठीक है, ये ठीक है ना. और इसके ना ये क्या कलर है, जैसे व्हाइट है तो इसमें ब्लू क्यों है, इसमें ग्रीन क्यों है, ये सारी की सारी उसका मतलब है, उसी का मतलब है. अच्छा, तो ये मैंने 2 चुने, ठीक है, और वो क्या है ये वाले? हाँ. ये तो कुछ नहीं है, बच्चों के खेलने की जैसे होती है, लेकिन क्योंकि हमारे 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन. हाँ. तो बहुत से लोग लॉजिक ब्रेन वाले होते हैं, कुछ इमोशनल ब्रेन वाले होते हैं, और कई बार प्रॉब्लम्स अगर बैलेंस नहीं होता, अगर कोई भी एक परिंदा, एक पक्षी अगर एक ही पंख से उड़े तो क्या उड़ पाएगा. हाँ. तो जो बैलेंसिंग करनी है उनको ही किया जाता है. तो जब मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ तो उसमें ऐसे, जैसे आप मेरे हाथ देखिए दोनों, अब देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो दोनों ब्रेन चल रहे हैं. लेकिन ये तो ना हो मुझसे. हाँ, जो भी कोई करेगा, अगर मान लीजिए, अच्छा आप पकड़ो, मैं करती हूँ. हाँ, मैं पकड़ता हूँ. पकड़ो, कीजिए आप, कीजिए. 11, 12, 13, 14, 15. हाँ, पहले दिन के हिसाब से आप ठीक कर रहे हैं, फिर भी काफी अच्छा कर रहे हैं. 17, हाँ, 18, वो थोड़ा, हाँ, गलत हो रहा है. 19, 20, ऐसा करता है. तो आप अगर स्पीड देखें, हाँ, तो हमारे दोनों ब्रेन चलेंगे, हाँ, तभी तो चीजें सॉल्व होंगी. ओ, सॉरी, ये खेल के अंदर ये इतना इफेक्टिव है कि जो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, हाँ, जो उनका मन नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते अपने चीजों को, वो भी करना शुरू कर देते हैं. कुछ ब्रीथिंग के टेक्निक है एनएलपी के थ्रू उनको की जाती है, जिससे कि वो दोनों हाथों का यूज करते हैं. और वो जो एग्जाम से डरते थे, उनको ऐसा लगता है कि लड्डू आ गया, मतलब जो चीज उनको अच्छा हो जाते हैं. मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें एक स्कूल है, याद नहीं आ रहा कहाँ पर, आई थिंक बैंगलोर में, जहां पर बच्चे एग्जाम पेपर देते हैं दोनों हाथों से.
एक हाथ से एक पेपर पे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हैं, दूसरे हाथ से दूसरे पेपर पे क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं, वो आंसर भी अलग है, क्वेश्चन भी अलग है, और दोनों हाथों से अलग अलग पेपर पे लिख रहे हैं, तो वो उनको यही सब सिखाया होगा फिर। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, एक्सरसाइजेस करवाए होंगे कुछ उनका, एक तरह से उनका थर्ड आई चक्र जो होता है काफी एक्टिव हो जाता है। ओ ठीक है, तो ये तो सबको सिखाना चाहिए, आंखों में पट्टी बांध के। हाँ, वो बीच में मेरे चैनल पे मतलब ग्रुप में हमारे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बताया था कि कैसे आंखों पे पट्टी बांध के वो बच्चों से सिखाते हैं। ओ उतना ही कनेक्ट, जितना नेचर से कनेक्ट होंगे, अपने न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे, केवल नसे नहीं है वो, उसके अंदर के डेप्थ में सेल्स आई एम श्योर, तो वही उसको प्रोग्रामिंग करते हैं ऑटोमेटिक, उन्हें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो सेशन के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, डिपेंड करता है सामने वाले की समस्या क्या है, उसके डिजायर क्या है। तो ये तो कोर्स फिर सबको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारी अंदर की शक्तियां, आंतरिक शक्तियां, बाहर से कुछ नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं केवल कम्युनिकेटर हूँ, मुझे सिर्फ कम्युनिकेट करना है कुछ चीजों के साथ, मुझे सिर्फ उनके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करना है। तो आप सिखाते भी हो, सिखा सकते हो लोगों को? क्लास नहीं लेता मैं, हीलिंग लेता हूँ, लेकिन होता है, कर सकते हैं, सिखा सकते हो ना, पहले तो मुझे सिखाओ। ठीक है, तो इससे शारीरिक बीमारियां जो होती हैं, क्या उनमें कोई मदद मिलती है, कुछ किसी है। की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, बिल्कुल मिलती है, छोटी बड़ी जो कुछ भी हमारे मन से है। हाँ, 90% जो बीमारियां हैं, डिजीज है, वो सारे साइकोसोमेटिक है, मन के वह में। ठीक है, तो कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो ये चीजें करने पे सच साबित होता है, आप कुछ भी कर सकते हो। शुगर जैसी बीमारियां भी कहां से आ रही है, स्ट्रेस से, थायराइड कहां से आ रहा है, स्ट्रेस से, ब्लॉकेजेस हो रही है हमारे चक्रास में, तो उनको क्योर किया जा सकता है, हील किया जा सकता है। और आज हर दूसरा आदमी डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार है, एब्सोल्युटली, तो वो कहां से होता है, उनको मन को शांत करना पड़ता है। मन शांत हो गया तो अपने आप ही वो चीजें रिमूव हो जाती हैं, रिमूव करना होता है बस। एनएलपी का वही चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को हम पर्पस को यूज करते हैं। क्या है, आप किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी वो भी क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे तो एक्सेस करता है, तो यहाँ भी होता है कि आप क्या चाहते हो, उनकी वो प्रॉब्लम में गए, ठीक, क्या हो गया, मतलब बेसिकली हम लोग सब बाबा बन सकते हैं। हाँ, अपने बाबा खुद बन सकते हैं ना, अपने खुद के डॉक्टर बने, हवा से बादाम और पैसे और सोने के सिक्के पैदा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा असली धन तो हमारे बच्चे और हमारी फैमिली और हमारी हेल्थ है, राइट। लेकिन यहाँ पर करने का मतलब ये नहीं होता कि सेशन लिया तो बार 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 रिपीट करना पड़ेगा, दो तीन सेशन के बाद जब उनकी वो चीज क्योर हो गई है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओ वंडरफुल, और वो अपने आप अपने घर पे भी अपनी फैमिली वालों को सिखा सकते हैं इसको। तो ये तो हुआ फिजिकल, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को ज्यादा हो रही है, जैसे आपने डिप्रेशन की बात बताई, तो डिप्रेशन तो आपने बता दिया, लेकिन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये कहाँ तक हेल्प करता है? बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप देखिए कॉन्शियस माइंड में हम 20 मिनट से ज्यादा डेटा स्टोर ही नहीं कर सकते, बाकी जो भी बचा हुआ है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा उसको। तो इसका मतलब मुझे 15 मिनट से ज्यादा वीडियोस बनाने ही नहीं चाहिए, वो क्योंकि वो डेटा लोगों के दिमाग में जाएगा ही नहीं। वो नहीं, ऐसा नहीं होता, समझ में आ गया, आप नहीं बनाऊंगी। या बॉम्बे से चले, बाई एयर आए, ट्रेन से आए, कार से आए, अब तक जब आए हो तो आपके पास कितनी चीजें मेमोरी आपको याद है, उसने क्या किया 90% ज्यादा चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्वाद मिट्टी आ गया। जो अंदर एंटर हुआ वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपको पता है कि हाँ उस फ्लाइट में कोई पर्सन दिखा था, या आते आते कोई मैंने बैग देखा था, या कुछ भी याद नहीं है, ऐसी कोई मूवी देखोगे तीन हाय मेरे को 1 महीना हो गया ट्रैवल करते हुए, ठीक है ना। तो अभी मैं से पूछू कितना याद है, आपको ये भी नहीं पता होगा आपने परसों क्या खाया था, आपने ध्यान नहीं आएगा। कल का याद है, मक्की की रोटी खाई थी मिस्सी, बस वो याद है। अच्छा, आपको पहले क्रश का पता है? है? जब फर्स्ट क्रश के बारे में आपको कोई फीलिंग आती है मन में? फर्स्ट क्रश? हाँ। किस पे था? हाँ, आती है ना? ठीक है ना? फर्स्ट क्रश था मेरा केजी में, केजी भी नहीं, केजी नर्सरी में। अच्छा, अभी देखो। अच्छा, उसकी शक्ल याद है मेरे को, उसकी आंखें याद है, गोरा गोरा था। ये मेमोरी कहाँ पर आई है? राम जाने, सबकॉन्शियस माइंड में ही तो है। तो हमारे हमारे बिलीव्स, हमारे हमारे जितने फियर है, हमारे सारे वहीं पर ही हैं। आपको पता मुझे उसपे क्रश क्यों हुआ था? क्योंकि उसने बोला मैं तेरा बैग उठा लेता हूँ।
उस एज के लिए वो लड़का था, मैं और मेरी सिस्टर हम तीनों साथ में स्कूल जाते थे, तीनों साथ में आते थे, रास्ते में वो अपने घर चला जाता था तो उसकी माँ भी याद है मेरे को। हाँ। और मैं तब से उसको ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ खो गया वो। कितना सेकंड लगा आपको याद करने में उसे? एक सेकंड। तो आपके जितने बॉडी के अंदर जितने न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर अराउंड जो बोला जाता है 80 GB का डाटा है वन सेल्स के अंदर। उनको काउंटलेस है वो, ठीक है। कोई 60 billions बोलता है, कोई trillions बोलता है, जो भी है ना, उसके डिटेल में नहीं आते, लेकिन ये इतना डेटा है। तो इसके अंदर ना बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे फियर्स हैं। एक पर्सन जो हॉस्पिटल में जाता है बहुत बड़ा चार्ट लेके कि मुझे ये बीमारियां चेक करानी है। हाँ। क्योंकि मैंने मेडिकल पॉलिसी ली है। हाँ। उसको थोड़ा सा डर है कि चलो चेकअप करा लेते हैं। हाँ। हेल्दी। हाँ। लेकिन जैसे ही वहां जाता है ऊपर का लिखा होता है पेशेंट नेम, कोई भी नाम हो सकता है, XYZ। तो वहां पर 50 तरह की बीमारियों के टेस्ट है। वो चाहता है कि मेरी बीमारी ना हो, लेकिन वो क्या बोलेगा, कहीं ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ये बीमारी। हाँ, 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 हाँ। पेशेंट नाम आते ही उसके न्यूरॉन्स क्या कैच कर रहे हैं, आई एम पेशेंट। जब किसी अदालत में या किसी जगह पे कोई केस चल रहा होता है तो कहते मुजरिम। मुजरिम तो 10 साल 15 साल बाद पता चले है कि नहीं है। तो हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी खराब कर देते हैं, आई एम डायबिटिक, आई एम एल्कोहलिक, ऐसे ऐसे बोल के। तो NLP के अंदर उनको रिमूव किया जाता है, उनको बोला जाता है आप केवल एल्कोहलिक नहीं हो, आप केवल डायबिटिक नहीं हो, आप इंसान हो, आप एक पति भी हो, पत्नी भी हो, बच्चा भी हो। तो ये विस्तृत है, बहुत बड़ा वो कारण इसका। अच्छा, सो NLP के सेशंस आप ये कह रहे हो कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 2-3 सेशंस से ज्यादा की जरूरत नहीं है? अक्सर मैंने देखा है मेरे पास 2-3 सेशन लगते हैं। एक लड़की थी उसके 7 सेशन लगे थे मेरे पास, उसकी प्रॉब्लम थी और उसकी प्रॉब्लम इस केवल एक इससे हल हो गई थी। अच्छा। हर किसी के वो 7 सेशन उसी के होते हैं, 2-3 सेशन में हो जाते। पहले बताते मैं रोज इधर आ रही हूँ, रोज एक सेशन ले लेती। अच्छा, फटाफट अपना नंबर बता दो ताकि लोगों को अगर सेशन लेना हो। अच्छा एक मिनट, ये सिर्फ ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन भी, ऑफलाइन होता है या सिर्फ ऑनलाइन भी हो सकता है? ऑनलाइन भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन कितने मिनट का होता है एक सेशन? एक 40-50 मिनट के अंदर होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ बोल रहे थे आप, वो दूसरा वाला वे है जो हिप्नोथेरेपी के ऊपर है, उसके लिए फिजिकली होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो NLP फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है? है, तो फिर ये तो सिर्फ दिल्ली वालों के काम आएगा। NLP ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हाँ, जो हिप्नोथेरेपी है उसके लिए ऑफलाइन। हिप्नोथेरेपी की बात में करते हैं, पहले इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। नंबर 9818085 अगेन 085। थैंक यू।